नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान नेता राकेश टिकैत गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। राकेश टिकैत ने अपने गुजरात दौरे पर कहा कि यहां के किसानों में डर का माहौल है और इसको निकालना पड़ेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान के आबू रोड से गुजरात में प्रवेश किया। इस दौरान गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगी रहे शंकर सिंह वाघेला भी उनके साथ मौजूद रहे। किसान नेता राकेश टिकैत ने बनासकांठा के पालमपुर में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात के लोग आंदोलन में कैसे शामिल होंगे, ये उन्हें खुद ही तय करना होगा। साथ ही उन्होंने गुजरात के युवाओं से आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने को कहा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करना चाहती है। जिस तरह से गुजरात में रिलायंस को 60 गांव दे दिए गए, वैसे ही सरकार पूरे देश में किसानों की जमीन छीनना चाहती है। गुजरात के किसान सरकार के इन फैसलों के खिलाफ अदालत जा चुके हैं, लेकिन सरकार वहां भी किसानों को प्रताड़ित करेगी। राकेश टिकैत ने राजस्थान के आबू रोड से होकर गुजरात के बनासकांठा में प्रवेश किया। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके पास सारे दस्तावेज हैं। साथ ही उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाते हुए कहा कि अगर गुजरात में प्रवेश करने के लिए इसकी भी आवश्यकता हो तो वो इसे भी साथ लेकर आए हैं। राकेश टिकैत सोमवार को साबरमती आश्रम भी जाएंगे, साथ ही वो बारदौली भी जाएंगे जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के समर्थन में आंदोलन किया था। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि गुजरात के लोग भी आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग ले, ताकि ये पता चल सके कि जिस राज्य के नेता केंद्र सरकार में बैठे हैं वहां के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों के लिए ट्रैक्टर ही टैंक है। साथ ही उन्होंने युवाओं से ट्रैक्टर और ट्विटर दोनों पर सक्रिय रहने को कहा। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा है कि मीडिया किसानों के आंदोलन को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी 25,000 ट्रैक्टर दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।